एक बहुत ही बड़े अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। उनका नाम था हैरी हेरलो। उन्होंने एक बंदर के बच्चे को लिया और आपको मालूम होना चाहिए कि बंदर और इंसान के डीएनए में सिर्फ 5% का फर्क होता है। उन्होंने उस बंदर के बच्चे को अपनी माँ से दूर कर दिया, फिर उस बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर दिया, सिर्फ एक गुड़िया का पुतला रख दिया और हर चीज से महरूम कर दिया, जो कुछ भी कुदरत ने उसे दिया था। आप बताएं वो बंदर का बच्चा क्या करेगा? उससे खेलना शुरू कर देगा और क्या करेगा? ज्यादातर लोग यही जवाब देते हैं और बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद वो इंसान बन जाए। लेकिन उसने इन बातों को गलत साबित किया। उस पिंजरे के अंदर उस साइंटिस्ट ने जो गुड़िया रखी थी, वो छोटा बंदर का बच्चा उसे अपनी माँ समझने लगा। किसी भी चीज का वजूद अहमियत रखता है। 15 सेकंड देखते रहो मुझे। उससे क्या होगा? मुझे बस ये जानना है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए एक डेकोरेशन पीस हूँ या फिर तुमने अपनी राय तब्दील कर ली है। पंद्रह सेकंड मुझे देखो। इंसान के अंदर क्या चल रहा है ये सब कुछ उसकी आंखें कह देती हैं। जब भी हमारी आंखें किसी ऐसे शख्स से मिलती हैं जिसे आप पसंद करते हैं और वो आपको देखता है तो दिल को बहुत खुशी होती है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं या कोई आपको पसंद करता है तो फिर आपकी बॉडी और आपका जहन किसी और तरीके से काम करता है। इस खुशी में आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपके लंग्स ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, फिर आपकी सांस फूलने लगती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी लंबी रेस में दौड़ लगा रहे हैं। आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो तेजी से काम करने लगते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये सब कैसे हो गया? पर अब तो हो गया। खैर कोई बात नहीं, होता है। क्या हुआ है तुम्हें डोमी जॉन? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे हाथ मत लगाओ। क्या कह रहे हो? मेरे पास नहीं आओ, तुम हटो पीछे जाओ। कभी महसूस किया है जब आपका दिल तेज धड़कता है तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? और इसका तेज धड़कना यूं है कि आपको मोहब्बत हो गई है। यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये शख्स वही है जिसने चैंग को उस दिन पहाड़ी पे बचाया था। सीसीटीवी कैमरे में भी इसी लड़के को देखा गया था। उसका नाम डोमी जॉन है। जी डोमी जॉन,
मैं जैक हूँ स्पेशल ब्रांच से। तुम्हें यूरा की मौत के बारे में कुछ मालूम है? मैं उसके मर्डर केस को देख रहा हूँ, इसी सिलसिले में तुमसे कुछ बात करनी है। अगर पेन ड्राइव चैंग के पास नहीं है तो जरूर उसी लड़के के पास होगी। वो पेन ड्राइव हमें उसी से हासिल करनी होगी। जाएंगे, क्या हो रहा है? कितनी अजीब बात है। मुझे हाथ लगाते ही बीमार हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं चलती फिरती बीमारी हूं? डोमी जॉन मर तो नहीं गया? इसका दिल तो बहुत तेजी से धड़क रहा है। अगर इसकी यही हालत रही तो ये तो मर जाएगा। Oh my God! तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था डोमी जॉन? पीछे हटो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तुम्हें बुखार हो रहा है, तुम्हारा दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा है। चलो उठो, डॉक्टर के पास चले। हाथ मत लगाओ मुझे। क्या हो गया है? हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे? बात तो सुनो। हाँ, उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। उसका टेम्परेचर मेरे ख्याल से 105 होगा। यार, तुम इतने मजे से बता रही हो उसको 105 बुखार है। कभी तो अपने इस कम दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो चैंग। तो मैं क्या करूं? कब से उसको बोल रही हूँ कि हॉस्पिटल चले, लेकिन वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन है वो? इस बात को छोड़ो, तुम बस इतना बताओ कि उसका फीवर कम करने के लिए उसे कौन सी दवाई दूं? दवाई बाद में देना, पहले उसका ब्लैंकेट हटा दो। क्या? क्यों, क्या हुआ? ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, जरूरी है। हटा दिया ब्लैंकेट? नहीं, अभी नहीं। और देखो, ठंडे पानी की टिकोर करनी होगी तुम्हें उसे। ठंडे पानी की टिकोर वो भी करनी पड़ेगी क्या? कोई और इलाज नहीं है? ऐसा करने से बुखार का जोर टूट जाता है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती ये सब। क्या, क्यों नहीं कर सकती? बच्चा ही है या कोई और है? ये आवाज उसी की आ रही है ना? कौन है? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? अच्छा चलो, ओके, गुड नाइट। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर ने बताया तेज बुखार में ऐसे ही करना चाहिए, बुखार फौरन उतर जाता है इससे। ये हटाओ इधर से, कुछ नहीं हुआ मुझे। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। हेलेन किलर को मैं बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, वो मेरी फेवरेट पर्सनालिटी है। तुम्हारा मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल? नाम में क्या रखा है, जो भी नाम हो उनका। मुझे नर्स बनने का बेहद शौक था। चलो अच्छा है, किसी की खिदमत करने का मौका तो मिला। हाँ, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो, इसलिए रख रही हूँ। सीने पे भी रखने को कहा है, अगर हाथ हटा लोगे तो मेरे लिए आसान होगा। कहा ना मुझे इसकी जरूरत नहीं। वो कल रात जो हुआ उसकी वजह से तुम्हें बुखार हो गया ना? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। तुम इस तरह बीमार हो गए हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वैसे होता है, इतनी बड़ी आर्टिस्ट के साथ रह रहे हो, बुखार तो चढ़ना ही था। मगर वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इस तरह बीमार पड़े हो। ठीक हो जाओ फौरन।
मेरी वजह से ही हुआ है। एक बात बताओ, तुम्हें पहली बार किसी लड़की ने छुआ है? नहीं 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 का क्या मतलब हुआ बताओ मुझे खुल के। तुम्हें मालूम है मैं पहली बार किसी के लिए इतना परेशान हो रही हूं। अच्छा सुनो, मैं चाह रही हूं कि तुम्हारा बुखार उतर जाए। अचानक क्या हो जाता है तुम्हें, बोलना क्यों बंद कर देते हो? बहुत ठंड है। अरे पागल लड़की, मुझे क्यों कॉल कर रही? उस लड़की को कॉल करो जिसे तुम बचपन से चाहती हो, उसे कॉल करो। सो गई हो क्या? अगर जाग रही हो तो कॉल करो मुझे। कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? वो लड़का जिसकी तस्वीर थी आपके पास, उसकी उम्र क्या होगी? डोमी जॉन नाम है ना उसका? मैंने सुना है कि वो एक प्रोफेसर भी है चैंग सॉन्ग के ही कॉलेज में। अच्छा, क्या आप ये पता कर सकते हैं कि उसका कोई जुड़वा भाई भी है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने उसे देखा है काफी अर्सा पहले। तुम क्या जानना चाहती हो? उसका चैंग से क्या ताल्लुक है? क्या आपको उसके बारे में कोई खास बात पता चली? तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम तो चैंग की बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो उससे जाकर खुद पूछ लो ये सब। आजकल इतनी बात नहीं होती उससे। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारा ज्यादा वक्त चैंग और लियो के साथ ही गुजरता है। लियो से पूछ लो। आपको नहीं बताना तो ना बताएं, मगर उस लड़के में कुछ तो अलग बात है। ऐसी भी क्या बात है? इसके अंदर क्या कर रही हो? तुम उठ गए? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं इसलिए यहाँ लेट गई कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो। मुझे सर्दी भी लग रही थी इसलिए मैं इसी में सो गई। निकलती हूँ, खुल क्यों नहीं रहा? ये तो जाम हो गया। यहाँ से जाओ, मैं अब ठीक हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे हो तुम? तुम ठीक हो गए हो और तुम कह रहे हो कि मैं चली जाऊं? यही कहा है ना तुमने, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सारी रात मैं तुम्हारे लिए जागती रही, ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी और तुम मुझसे ये कह रहे हो? ये जो तुम्हारे हलक से इतनी आवाज भी निकल रही है ना, ये मेरी वजह से। थैंक यू बोलो मुझे। हाँ। अरे यार, ये क्यों नहीं खुल रहा? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? मुझे लग रहा है कि जिप खराब हो गई है, ये नहीं खुल रही। क्या तुम इसे बाहर से खोल दोगे? ऐसे ही रहो इसके अंदर, ज्यादा बोलने वालों का यही अंजाम। क्या ये मजाक करने का वक्त है? जो मजाक करना है सुबह करना।
इसे खोलो, रोबी जॉन, खोलो इसे। हे! वाह वाह, क्या जमाना आ गया है। सारी रात मैंने तिमारदारी की और तुम ये सिला दे रहे हो मुझे। तुम्हें तो जरा भी एहसास नहीं हो रहा। मुझे बाहर निकालो वरना मेरा दम घुट जाएगा अंदर। बहुत ही खुदगर्ज हो तुम, डॉमी जॉन। बाहर निकालो मुझे। मैं तीन तक गिनती गिनूंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ही जिम्मेदार होगे। दो, ढाई, पौने तीन, पौने तीन एक, पौने तीन दो, तीन, बस बहुत। मेरा सर दुख रहा है, शोर मत मचाओ। मुझे इसके अंदर से निकाल दोगे? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बाहर निकालने का बोला था, कहाँ लेके जा रहे हो? डॉमी जॉन, क्या हो गया तुम्हें? कैसी हरकतें कर रहे हो? इसमें से बाहर आने तो फिर देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। तुम्हें पता नहीं है मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। निकालो मुझे, डॉमी जॉन, निकालो। डॉमी जॉन, डॉमी जॉन। अजीब पागल लड़का है, मैं इसकी इतनी मदद कर रही हूँ और इसके बावजूद भी ये मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। कमरे से तो मुझे ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल देता है। आज कितनी सर्दी है ना बाहर, और मुझे भूख भी लग रही है। डॉमी जॉन सर नहीं आए, क्या बात है? वो तो कभी लेट नहीं आए। वैसे बहुत बदलाव आ गया है आजकल इनमें। हाँ, उसके लीव की खबर तो आई है मेरे पास। सुना है कि वो बीमार है, पहली दफा ऐसा हुआ है। या शायद बीमार होने का नाटक कर रहा है। क्यों सर? कौन हो तुम? अरे आप आए हैं। तुम इसमें क्या कर रही हो? आप तो इस वक्त फरिश्ता बन के आए हैं। कैसे हैं आप? वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। मेरी हेल्प कर सकते हैं आप? मुझे इसमें से बाहर निकाल दें, मैं फंस चुकी हूँ इसमें। आपके बेटे ने क्या आपको सुबह सवेरे ही कॉल कर दी थी? हाँ। पता है उसको बहुत तेज बुखार हो गया था। मैंने उससे कहा कि हॉस्पिटल चलो, लेकिन मना कर दिया उसने। उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? तुम कुछ खाने की कोशिश करो। गले में दर्द हो रहा है, कुछ खाया नहीं जा रहा। दर्द भी चला जाएगा, तुम खाओ। जहां तक मुझे याद है, तुम्हारी यह हालत 30 साल पहले हुई थी। एक दफा एक लड़का था जो तुम्हें पसंद नहीं करता था। उसने मालूम नहीं तुम्हारी कॉफी में क्या मिला दिया था जिसकी वजह से तुम बीमार हो गए थे। पूरा एक हफ्ता तुम्हारी तबीयत खराब रही। बड़ी मुश्किल से तुमने रिकवर किया था अपने आप को। Men going away. मुझे उस लड़के का चेहरा आज भी अच्छी तरह से याद है। हाँ, और उसके बाद कभी तुमने किसी अनजान आदमी के साथ बैठकर कॉफी नहीं पी। अच्छा, तुमने चेंग सॉन्ग के साथ बैठकर खाना तो नहीं खाया था कहीं? वो हाँ, याद आया, लास्ट टाइम तो हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया था। लेकिन खाना तो ठीक था वो। उसके बाद तुमने क्या खाया ये नहीं मालूम। तुमने चेंग के साथ खाना खाया? बोलो। क्या कह रहे हैं आप? हटे, मुझे थोड़ा आराम करना है। हाँ, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है इस वक्त। और हाँ, प्लीज थोड़ा ख्याल किया करो अपना। सो जाओ तुम।
वैसे सब कुछ इसी वक्त क्यों हो रहा है जब तुम इस दुनिया से जाने वाले हो? वैसे कोई रास्ता नहीं कि तुम इसी दुनिया में रुक जाओ, ना जाओ वापस? अगर तुम रुक नहीं सकते हो तो यहां के लोगों से ज्यादा अटैच मत हो, वरना जाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा, और तुम्हारे साथ उन लोगों को भी तकलीफ होगी जो तुम्हें यहां चाहते हैं। ये सब कैसे हो गया? सब सामान बिखरा हुआ है, किसने किया होगा ये? इस जगह की सफाई करवा दें और अपने किराएदार को कुछ मत बताइएगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। नहीं नहीं, उसे बताऊंगी तो वो भाग जाएगा। इतने मुश्किल से तो किराएदार मिला है। मैं आप दोनों के लिए कॉफी ले आती हूँ। ठीक है। पागल लग रहे हैं ये यूरा के पीछे। ये देखा तुमने? क्या? ये पिक्चर देखो। ये तो पुरानी तस्वीर लग रही है। क्या वो प्रेग्नेंट थी? ये कैसे हो सकता है? तस्वीर तो यही बता रही है हमें। हो सकता है वो नॉर्मल चेकअप के लिए गई हो, यकीन से नहीं कह सकते। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो वो ये साबित करना चाह रहे थे कि ये सुसाइड है कि नहीं। वो प्रेग्नेंट थी या नहीं ये बात उन्होंने हमें नहीं बताई, और हम भी ये बात यकीन से नहीं कह सकते। हमें एक बार और जाके हॉस्पिटल में पूछ लेना चाहिए। इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, और ये उसी आदमी का काम है जिससे वो क्रूज शिप में मिली थी, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है किसी के भी खिलाफ। मुझे तो लगता है डोमी जॉन ने किया है। वही था उस रात। मतलब उस दिन सैलून में भी जब यूरा और चैंग आपस में लड़ रहे थे तो डोमी जॉन ही आया था उस लड़की को वहां से ले जाने के लिए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वो तो यूरा को जानता भी नहीं। सब कुछ मुमकिन है। चलो इसकी एक कहानी स्केच कर लेते हैं हम दोनों। डोमी जॉन चैंग का पड़ोसी है, बोलो है ना? हो सकता है वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद भी करते हों, और यूरा के साथ भी डोमी जॉन का कोई चक्कर हो जो हमें मालूम ना हो, और उसके बाद यूरा को कोई बात मालूम थी डोमी जॉन के बारे में, और वो उस प्रोफेसर की बात बाहर एक्सपोज करना चाह रही थी। चैंग और यूरा का लड़ाई करना यही कह रहा है कि यूरा कुछ ना कुछ तो जानती थी डोमी जॉन के बारे में, और वो चैंग को उस दिन वहां से ले गया ताकि चैंग को कुछ मालूम ना हो कि उसने क्या किया है, और उसके बाद उसने मौके का फायदा उठाया और दोनों की लड़ाई को एक्सपोज भी कर दिया ताकि सारा फोकस चैंग की तरफ जाए। तुम्हारे सोचने का अंदाज बहुत अजीब है। हाँ अजीब तो है, लेकिन कुछ बातें बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते, साबित करना होगा हमें ये। साबित तो मैं करके रहूंगा, आज नहीं तो कल। हाँ। इसे लगता है यही अकलमंद है। मैंने इतने साल क्या झक मारी है। चैंग प्लीज उसका ख्याल रखना, और हर 3 घंटे के बाद उसे कुछ खाने को देते रहना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। एक और बात, कोशिश करके तुम थोड़ा उससे दूर ही रहना। मेरी बात का बुरा मत मनाना, लेकिन तुम करीब मत जाना उसके। करीब तो जा चुकी हूँ। परेशान ना हो, मजाक कर रही थी। खुद को दूर रखो उससे, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जमीन पर गुजारे हुए पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड, इस बात का क्या मतलब है? जमीन पर गुजारे हुए 3 महीनों का रिकॉर्ड? तुम कहीं जा रहे हो क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो मुझे। मैंने कहा था ना, कोई सवाल नहीं। आखिर ये सब क्या है? मैंने सुना है कि यूरा प्रेग्नेंट थी। जी सर। तो पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आई ये बात? पुलिस और मीडिया के प्रेशर की वजह से वो रिपोर्ट जल्दी तैयार की गई थी। काफी देर बाद पुलिस को ये बात मालूम हुई है। उन्हें लगता है कि ये मर्डर ही है। अब वो उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहे हैं। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जाओ और सबको बता दो कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से,
और अगर तुमसे नहीं कहा जा रहा तो मुझे कह दो, मैं सबको बता दूंगी। तो क्या करना है, सबको बताओ कि हमारा क्या ताल्लुक है। अगर चैंग ने वो पेन ड्राइव देख ली है तो वो सीधा पुलिस के पास जाएगी, और अगर पुलिस को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इस मसले को सुलझाने में। कुछ करना होगा, चैंग सॉन्ग से बात करनी होगी और वो पेन ड्राइव भी हासिल करनी होगी। मुझे उतार दो यहीं। तुमसे कहा है ना कुछ दिनों तक तुम्हारे पैसे दे दूंगी, तुम्हें क्या लग रहा है मैं कहीं भाग जाऊंगी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हाय। ओके, बाद में बात करती हूँ। बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आप ही गायब रहते हैं अब तो, पहले तो आप इतनी कॉल्स करते थे मुझे काम के लिए, अब तो बिल्कुल याद नहीं करते। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, आखिर आप भी हमारे लिए खास हैं। कॉफी पियेंगी आप? ये सच है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वो क्या? कम से कम एक साल के लिए चैंग सिर्फ हमारे साथ काम करेगी। क्या? और इस बार करेक्टर भी थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं समझी नहीं। एक ऐसी लड़की जो घर से भाग चुकी है, मॉडल बनना चाहती है, और मॉडल बनने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए वो तैयार है, और ड्रेसिंग भी बोल्ड किस्म की होगी, और ये करेक्टर भी उसे तब मिलेगा जब वो मुझे हर तरह से खुश रखेगी। ये क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की? चैंग एक सुपरस्टार है, जानते नहीं क्या आप? किसी ने भी आज तक मुझसे इस तरह से बात नहीं की, और आपकी इतनी हिम्मत क्या आप मुझसे ये कह रहे हैं? तो और कैसे बात करूं? मुझे यहाँ बुलवाकर मेरी बेइज्जती करना चाहती थी आप? क्या पैसे कम दे रहा हूं मैं? अगर ये भी कम लग रहे हैं तो और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि पैसों के लिए तो आप उसे कुछ भी करवा लेती हैं, अपने फायदे के लिए आज तक आपने खूब इस्तेमाल किया है उसे। क्या? जी हाँ, कुछ छुपा नहीं है मुझसे, और इस वक्त तो उसे कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं है सिवाय मेरे। सारे कपड़े खराब कर दिए। अच्छा मौका था लेकिन आपने गवा दिया। अब दोबारा मुझे काम के लिए कॉल मत कीजिएगा। कब आंख लग गई मालूम ही नहीं हुआ। तबीयत कुछ बेहतर हुई तुम्हारी? तुम्हारे हाथ की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, दिखाओ जरा मुझे। रहने दो, ठीक है। तुम्हारे डैड थोड़ी देर बाद चले गए थे, बहुत फिक्र हो रही थी उन्हें तुम्हारी। तुम्हारी अटैचमेंट डैड के साथ ज्यादा है या मॉम से? मेरी डैड के साथ थी। अभी तुम्हारे डैड कहाँ हैं? मालूम नहीं मुझे, बहुत अरसा पहले हमें छोड़कर कहीं चले गए थे। उन्हें बहुत याद करती हूँ, पर शायद वो नहीं करते होंगे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत नफरत करते होंगे, क्योंकि बचपन से ही मतलबी थी बहुत। तुम कहाँ थी? मम्मा बुला रही हैं। कहाँ है मामा? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, योग को साथ ले जाओ, लेकिन चैंग मेरे साथ रहेगी। यानी तुम ये चाहती हो कि चैंग एक आर्टिस्ट बन जाए और हम लोग भी उसके पैसे पे पलें? हाँ, मैं चैंग को एक कामयाब आर्टिस्ट बनाना चाहती हूँ, उसका फ्यूचर बेहतर करना चाहती हूँ, और ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं है, वो भी एक कामयाब आर्टिस्ट बनना चाहती है, और जब तक मैं उसके साथ हूँ तुम उसे रोक नहीं सकते। मैं उसे एक्ट्रेस बना के ही रहूंगी।
ऐसा नहीं होने दूंगा मैं अपने बच्चों को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम चाहती हो मेरी बेटी ग्लैमर की दुनिया में आके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले? जब तक मैं जिंदा हूं ये बच्चे मेरी मर्जी से पलेंगे। चैंग बेटा, देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। हाथ मत लगाए मुझे। क्यों कह रही हो ऐसा? सब सुन लिया है मैंने, आप मुझे एक्ट्रेस नहीं बनाना चाहते। आप जानते हैं यही मेरा सपना है। मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आप तो मेरे दुश्मन निकले। बहुत छोटी थी मैं, आज मुझे समझ आती हैं उनकी वो बातें कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। उनके कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन मैं उनकी बात को गलत समझ बैठी थी। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि डैड के साथ हमने कभी वक्त गुजारा ही नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं और वो हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं। मॉम और डैड की लड़ाई की वजह से मैं एक दिन अपना घर छोड़कर वहां से भाग गई थी। रोड क्रॉस करने लगी तो मैंने देखा कि एक ट्रक मेरी तरफ बढ़ रहा है। फिर अचानक किसी ने आकर मुझे बचा लिया। वो आदमी कौन था और कहां से आया मुझे समझ नहीं आई। पलक झपकने की देर थी, वो ट्रक मुझे उड़ा देता। बस उसी एक लम्हे में वो आया और उसने मुझे मरने से बचा लिया। मालूम नहीं कौन था वो शख्स, कोई इंसान था या फिर फरिश्ता। ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे उसने, जादूगर भी हो सकता है शायद। ऐसी कोई चीज नहीं होती और मैं यकीन नहीं करता इस पर। हाँ ठीक कह रहे हो, करती तो मैं भी नहीं हूँ इन बातों पर यकीन, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है और इस बात का गवाह लियो भी हो, पूछ सकते हो उससे। मुझे नींद आ रही है। ऊपा की कॉल, इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है, सब ठीक तो है? मेरा मोबाइल। चैंग सॉन्ग, चैंग सॉन्ग, कहाँ हो तुम? सुन रही हो मुझे? चैंग सॉन्ग, मुझे तो लगता है ऊपर किसी प्रॉब्लम में है। कैसी प्रॉब्लम? शायद वो मुझे पसंद करने लगा है, क्योंकि आखिरी बार जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसको मेरी हेल्थ की बहुत फिक्र हो रही थी और डिनर के लिए भी बहुत फोर्स किया उसने मुझे। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं। लगता है दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई होगी, क्योंकि लियो भी तो मुझे पसंद करता और ये बात उसे बुरी लगती होगी बहुत। तुम्हें क्या लगता है, हर कोई लड़का तुम्हें ही पसंद करता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और तुम भी तो ऐसे ही सोचते हो ना। क्या तुमसे मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुम्हें किस किस्म की लड़की पसंद है? सोचा नहीं मैंने। मैंने सोच लिया है, मुझे कोई ऐसा मिले जो पूरी उम्र मेरा ख्याल रखे, मेरे डैड की तरह आधे रास्ते में साथ ना छोड़ दे, मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहे, पूरी जिंदगी कोई गम ना हो हमें। लियो की यही एक बात मुझे बहुत पसंद है। तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, सो जाओ जाकर। यही सवाल मैंने पूछना है, तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो?
मैंने तुम्हें आज से पहले यहां कभी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं पहली बार आया हूं यहां। तुम मेरा मैसेज दे देना जैंग को, कहना कि आज मैं मिल नहीं पाया लेकिन बहुत जल्द मिलूंगा। आई होप समझ आ गया होगा तुमको, चलता हूं। कोई प्रॉब्लम है क्या? बात करनी है। बोलो। वो पेन ड्राइव मुझे चाहिए, क्योंकि यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए भी और चैन के लिए भी। बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर तुम्हें मारना चाहता तो मार चुका होता। अगर तुम अभी जिंदा हो तो सिर्फ इसलिए, क्योंकि मैं जिंदा देखना चाहता हूं तुम्हें। इसलिए जो कह रहा हूं उसे मान लो, वरना चैंग और तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। जिस दिन तुमने चैंग सोंग को छुआ भी तो याद रखना, उस दिन तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम्हें मैं मारूंगा। और हां एक और बात जो तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते, कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। मैं चाहती हूं कि मुझे कोई ऐसा मिले जो आखिरी सांस तक मेरा साथ दे, मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, मेरा ख्याल रखे। ये जानते हुए कि उस लड़की की जान खतरे में है, तुम उसकी मदद नहीं करोगे? अगर उसे कुछ हो गया तो खुद को माफ कर पाओगे तुम? आपका नाम डोमी जॉन है ना? हाय। आप कौन? मेरा नाम सीमी है, एक्ट्रेस हूं मैं और चैंग सोंग की दोस्त भी। जी अगर आप बुरा ना मनाए तो क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका। दरअसल मैं आपसे चैंग के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, मुझे कुछ जानना था, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। कहिए क्या बात करनी है? आपको चैंग ने बताया कि मैं उसकी
दोस्त हूँ बचपन की। ओ कैसी एक्टिंग कर रही है, कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं समझा इसने। ये करने से पहले इसको मुझसे क्लास लेनी चाहिए थी। मैं बताती इसको कि कैसे करते हैं। शायद याद नहीं, लेकिन मैंने आपके बारे में चेंग सॉन्ग से काफी कुछ सुना है। उसने बताया था कि आप काफी हेल्प करते हैं उसकी, जिसकी वजह से काफी डिपेंडेंट हो गई है वो आप पे। मैं और चेंग स्कूल से ही काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब से योरा की मौत हुई है तब से हमारे बीच में काफी गलत फहमियां पैदा हो गई हैं। हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा से वैसी फ्रेंड्स बन जाएं जैसी पहले थी। वैसे अब आप उसके बारे में काफी कुछ जानते होंगे। हाँ जानता हूँ, जानता हूँ। उसे समझना बहुत मुश्किल है। हाँ ये बात तो है। मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ चैंग के साथ गलत हुआ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन आप उसे इस बारे में कुछ नहीं बताइएगा वरना वो और नाराज हो जाएगी। क्या आप मुझे फेवर देंगे? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ हो गया तो। मैं तो उसे कॉल करके खैरियत भी नहीं पूछ सकती, उसके बारे में जानने के लिए आपको कॉल कर सकती हूँ मैं? ठीक है कर लीजिएगा। थैंक यू। वैसे आपकी आखिरी मुलाकात उससे कब हुई थी और आप चैंग को कब से जानते हैं? मेरी और चैंग की पहली मुलाकात लिफ्ट में हुई थी। अच्छा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप मुश्किल वक्त में हमेशा उसके साथ होते हैं। ये लीजिए चैंग मैडम। क्या हो गया तुमको? मुंह से निकल गया। शुक्रिया, डरो नहीं। I'm so sorry, पुरानी आदत है इसलिए ऐसा हो गया। मैंने कहा ना कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने काफी अरसे तक चैंग के साथ काम किया है तो तुम्हें आदत हो गई है। जाहिर है तुम दोनों इतने अरसे से उसके साथ काम कर रहे हो तो मेरे साथ काम करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ कोई नहीं, प्रॉब्लम है। नहीं है, कोई बात नहीं। मैं तुम दोनों की मुश्किल समझ सकती हूँ अच्छे से। चैंग के बाद मेरे साथ काम करना होता है ऐसा। अगर मैं कुछ गलत करूं तो तुम लोग बता दिया करो। आप हमें गलत मत समझिएगा, और आपसे गलती कैसे हो सकती है? और वैसे भी आप चैंग सॉन्ग से बहुत ज्यादा समझदार हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें बहुत मजा आ रहा है। और तुम्हें? ऑफ कोर्स मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। क्या कह रही थी तुम? हाँ चैंग से बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। हाँ। और तुम? जी जी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो और क्या कहता, मजबूर हो गए हैं बहुत। बहुत मुश्किल हो जाता है ये बताना कि चैंग और सिमी में से कौन अच्छा है। जानती हो छोटे होते हमारे लिए कौन सी चीज मुश्किल होती थी जिसे हम डिसाइड नहीं कर पाते थे? एक सवाल बार बार होता था। वो क्या? यही कि मॉम अच्छी हैं या डैड, और फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता था। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं चैंग को। मैं भी। हेलो लियो। हाय लियो सर। सिमी नजर नहीं आ रही। व्हाई? आ जा,
सॉरी सॉरी मैं क्या हो गया यार, हंस क्यों रहा है ये पागलों की तरह? ऐसा ही है ये, चैंग होती तो बताती इसे। हाँ यार, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है इसके साथ काम करने का, चैंग की तो बात ही कुछ और है। क्या मसला है तुम्हारा? ओह सिमी, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? तुम ठीक हो? सिमी से क्यों मिले तुम और वो तुमसे मिलने क्यों आई थी? मैंने तुम्हें बताया ना, वो तुम्हारे लिए परेशान थी इसलिए मेरे पास आई। परेशान थी वो? उससे कहो कि मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अब वो मेरी दोस्त नहीं है। पता नहीं क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में, बस उसे ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम होगी उस लड़की को उतनी ही खुशी। तुमने ही कहा था कि वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है। हाँ लेकिन अब नहीं रही। देखो वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ अच्छा, तो तुम्हें वो लड़की अच्छी लग रही है, तुम मेरी साइड पर हो या उसकी? देखो चैंग ऐसी बात नहीं है। नहीं यही बात है, तुम्हें क्या लगता है मैंने खामखा उससे दोस्ती छोड़ी और बातें सुना रही हूँ उसको यहाँ बैठ के? नहीं, यकीनन कोई ना कोई वजह होगी, मगर बात यह है कि सारे लोग तुमसे ही क्यों लड़ते हैं, तुम्हें ही छोड़ के क्यों जाते हैं? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि सारी बुराइयां मुझ में हैं? दूसरों को बुरा कहने से पहले इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए। इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो लेकिन कोई भी दोस्त क्यों नहीं है तुम्हारा? अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही हो, तुम्हारा कोई नहीं। मैं अकेली नहीं हूँ, तुम्हें किसने कहा मैं अकेली? तो यहाँ पर क्या कर रही हो, चली क्यों नहीं जाती? एक अजनबी के घर इतने दिनों से क्या कर रही हो? अगर तुम्हारा दोस्त या फैमिली है तो वहां क्यों नहीं जाती, मेरे पास क्यों रह रही हो? सच बात तो यह है, ना ही कोई और जगह है तुम्हारे पास और ना ही तुम्हें कोई रखेगा। चुप हो जाओ। क्या हुआ, सच बुरा लगने लगा? मुंह बंद रखो वरना मैं तोड़ दूंगी इसे। रात को मेरा मैसेज नहीं मिला क्या? मिला था। फिर मुझे कॉल क्यों नहीं की? मैं डर गई थी। उस दिन से लेकर अब तक मैं इसी बारे में सोच रहा हूं। देखो ना, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं। मैंने सबसे पहले तुम्हें ही बताया कि मैं चैंग सॉन्ग को पसंद करता हूं और फिर तुम्ही से कहा कि जाकर उसे मेरा यह पैगाम दे आओ। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा मेरी मदद की जब भी मेरी चैंग सॉन्ग से लड़ाई हुई। जानता हूं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना आसान नहीं हुआ होगा, मुझे माफ कर दो। साहिर है, इतनी जल्दी तुम मुझे माफ नहीं करोगी। हाँ मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर आप किसी से मोहब्बत करें और वो किसी और को चाहता हो और वो भी आपकी आंखों के सामने, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूं। अगर तुम उस वक्त ही मुझसे इजहार करती तो मैं तब भी कुछ नहीं कर पाता, सिवाय इस बात के कि तुम्हें ना कर देता मैं। प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये मुश्किल होगा, मगर मैं एक अच्छी दोस्त नहीं खोना चाहता। एक तुम ही तो हो जिससे अपनी हर बात शेयर करता हूं। मुझे कुछ कहना है। तुम चैंग के नेबर डोमी जॉन को जानते हो ना? क्या पहले तुमने कभी उसको देखा है? उसके बारे में क्या कहना है तुम्हें? ये क्या है बोलो। 12 साल पहले जिस शख्स ने चैंग की जान बचाई,
वो इसी तस्वीर में है। कुछ याद आया तुम्हें? मैंने ये तस्वीर खुद खींची थी। तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? मुझे तो यकीन है कि ये टॉमी जॉन ही है। ये कैसे हो सकता? बहुत पुरानी बात है ये। सब कुछ बदल चुका है अब तो। अब वो कैसे आ सकता है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल टॉमी जॉन से मिलता है जो चैंग का पड़ोसी है। चैंग को अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन अगर चैंग को इसके बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगी किसी को नहीं पता। क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? मैंने देखा था उसे, मगर मैं याद नहीं रख पाई। हाँ, हो सकता है वो मेरी पहली मोहब्बत ना हो, लेकिन मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। मेरे दिल में कुछ खलिश बाकी है जो उससे मिलकर ही पूरी होगी। खैर छोड़ो। क्या गुस्से में अपना ही घर छोड़ के चला गया? भूख लग रही है। फ्राइड चिकन और ड्रिंक टेक अवे कर दें। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां क्या कर रही हो? अपने घर पर क्यों नहीं हो? टॉमी जॉन कहां है? क्या क्या हो गया है तुम्हें? बाहर आओ तुम। चलो निकलो यहां से। दर्द हो रहा है, छोड़ मेरा हाथ। खुशी से नहीं रह रही हूं यहां। जब उस दिन छोड़कर गए थे तुम मुझे, तो कोई मेरे घर का फर्नीचर तोड़ के चला गया। पूरा घर फैला हुआ था, इसलिए यहां पर आ गई। मगर यहां पर क्यों? अपनी मॉम के घर चली जाती? मैं अपनी मॉम के साथ नहीं रह सकती, ये बात तुम जानते हो अच्छी तरह। और तुम चिल्ला क्यों रहे उतना? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे साथ तो रह सकती हो। तुम्हारी फैमिली भी है साथ। मैं तुम्हें नया घर लेके देता, वहां पर रहो। कोई परेशानी होगी तो कम अज कम आ तो सकता हूँ ना मैं। क्या हो गया, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मेरा एक फार्म हाउस है, वहां पर चलते हैं हम दोनों। वो जगह बहुत सिक्योर है, कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। अभी चलो साथ मेरे, वहीं रहोगी तुम। प्लीज चैंग सॉन्ग, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें वहां कोई परेशानी नहीं होगी। चलो मेरे साथ। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, अपना सामान पैक करके आती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूं। जा रही हूं मैं। अब मालूम होगा तुम्हें, जब मैं तुम्हें घर में नहीं मिलूंगी तो ये घर तुम्हें काटने को दौड़ेगा। क्यों आए हो यहां? तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लियो के साथ उसके फार्म हाउस पर नहीं, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं चाहती हूँ कि वो मुझे लेने आए। नहीं छोड़ो साहब, कुछ नहीं लिखना मुझे।
क्यों रहे हो इस तरह? ट्रक से चैंग सॉन्ग को तुम ही ने बचाया था, वही हो ना तुम?가진 능력으로 다른 사람을 구했던 일은 몇 번 되지 않습니다. 능력을 드러낸다는 건 내 정체를 드러낸다는 건데, 내가 누군지 알면서도 날 이용하지 않고 있는 그대로 받아들여줄 사람은 흔치 않았으니까요. 능력의 한계는 저도 잘 모르겠습니다. 공간 이동은 장소를 정확히 알고 있다면 반경 2-300km는 가능한 것 같고요. 시간을 멈추는 건 약 1분 정도 가능합니다. 중요한 건 제 몸의 상태입니다. 장 변호사님을 처음 만났을 때 제 몸의 상태가 아주 나빴기 때문에 하마터면 그분을 죽일 뻔했었죠. 먹고 해요. 그돈 없으면 저희 어머니 수술 못 봐도 돼요. 저 서복구씨 뒷바라지 하시느라 죽을 고생하신 분입니다. 제발 사람 하나 살린다 생각하시고 어머니 돌아가시면 저도 죽습니다. 아, 예? 참, 이 사람이 여기가 어딘 줄 알았는데 진짜. 제발 부탁드립니다. 아니 왜 일찍 깨니까. 지점장님! 지점장님! 잠깐! 귀신이세요?